हाँ जी दोस्तों नमस्कार, मैं अमित पाल आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग सीखेंगे रंग मूवी का सॉन्ग तुम्हें देखे मेरी आंखें। इस सॉन्ग को सीखेंगे हम यहाँ से जी से, जो इसकी ओरिजिनल स्केल है वो भी यही है जी माइनर। तो यहाँ से सीखेंगे तो सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कौन कौन से स्वर यूज होंगे। सा रे गा कोमल, मा पा धा कोमल धा नी और ये तर सप्तक का सा, और मंद्र सप्तक में कोमल नी कोमल धा और ये पा, इतने स्वर यूज होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके स्टार्टिंग म्यूजिक से, जो स्ट्रिंग का वॉइस में प्ले हुआ है उसे देखते हैं किस तरह से प्ले होगा। और फिर स्ट्रिंग फिर बांसुरी की साउंड और फिर दूसरा फिलर पार्ट और फिर स्ट्रिंग और फिर स्ट्रिंग है स्टार्टिंग म्यूजिक। और फिर इसके बाद स्टार्ट होता है मुखड़ा। तो इस स्टार्टिंग म्यूजिक को देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा स्ट्रिंग का फिर बांसुरी फिर स्ट्रिंग दो बार प्ले होगी फिर और फिर स्ट्रिंग यहाँ से पास स्टार्ट होगी ये जाके तार सप्तक के पा में रुकेगी। फिर इसके बाद बांसुरी स्टार्ट होगी यहाँ से मा से फिर से देखिए फिर यहाँ से दूसरा फिलर पार्ट और फिर स्ट्रिंग और फिर फ्लोट फिर स्ट्रिंग यहाँ से स्टार्ट होगी और फिर यहीं से दूसरा फ्लर पार्ट देखिए अब स्टार्ट होगा मुखड़ा और फिर
जो मेल सिंगर की लाइन है इस तरह से प्ले होगी, और सेम इसी तरह से फीमेल सिंगर की लाइन भी प्ले होगी। तो इसे देखते हैं किस तरह से प्ले होगा। फिर से देखते हैं, और फिर बैकग्राउंड में स्ट्रिंग। और फिर आगे की लाइन यहीं से, ये बैकग्राउंड स्ट्रिंग का फिलर पार्ट है। और फिर इस तरह से मेल और फीमेल सिंगर की लाइन इस तरह से कंप्लीट होगी। और फिर इसके बाद आता है फिलर पार्ट, और फिर इसके बाद अंतरा। तो फिलर पार्ट प्ले हुआ है दूसरे टोन में, तो उसे प्ले करते हैं। फिर स्ट्रिंग से, इसे देखते हैं दोनों टोनों को, यहाँ से स्पीड में। फिर स्ट्रिंग, फिर दूसरा फिलर पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। इसे देखते हैं, और फिर स्ट्रिंग, इसे देखते हैं स्ट्रिंग को यहां से, इस तरह से। अब स्टार्ट होगा अंतरा स्टार्ट होगा यहाँ से कोमल धा से। अगली वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी, तो इस अंतरे को देखते हैं। बैकग्राउंड फ्लूट की वॉइस, फिर स्ट्रिंग, एक साथ प्ले करके देखते हैं।
इस तरह से, और फिर यहीं से स्टार्ट होगी और फिर यहीं से वही सेम लाइन प्ले होगी। फिर आगे की लाइन यहाँ से, फिर आगे की लाइन इसके आगे की लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी। इस तरह से, और फिर सेम वही लाइन आ जाएगी मुखड़े की जैसी। इस तरह से तो आशा करता हूँ दोस्तों जो मैंने अभी ये बताया अंतरा और मुखड़ा आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से अपने कीबोर्ड पर बजा सकेंगे। तो इसके की जो आगे की अंतरा है तो सेम यहीं से प्ले होगी, कोई चेंजेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सुर नहीं है, सेम टू सेम प्ले होगी। तो आसानी से आप इस गाने को इस वीडियो के थ्रू आसानी से सीख सकेंगे। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें, कमेंट में अपना सुझाव जरूर दें कि वीडियो कैसी रही, ताकि मैं इसी तरह की वीडियो और लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।